आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को भड़काने का काम वो कांग्रेस कर रही है जिसने अपने कार्यकाल में किसानों को मुआवजे के बदले बंदूक की गोली दी थी। मध्य प्रदेश से मुलकाद गोलीकांड को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। देखिए, ये तस्वीरें अभी आपके जहन में बहुत पुरानी नहीं हुई होंगी। साल था 1998। मध्य प्रदेश में फसल बर्बाद हो गई थी। किसान 5000 रुपए मुआवजा मांग रहे थे, सरकार 400 रुपए ही दे रही थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। किसानों ने 400 रुपए लेने से इनकार किया तो उन पर गोली चलवा दी गई। आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को भड़काने का काम वो कांग्रेस कर रही है जिसने अपने कार्यकाल में किसानों के मुआवजे की मांग का जवाब सरकारी गोलियों से दिया था। मुलताई गोलीकांड, जिसे अब भी मध्य प्रदेश के लोग याद करके सिहर उठते हैं। 12 जनवरी 1998 को मुलताई तहसील के सामने किसानों पर गोली चलाई गई जिसमें 24 किसान मारे गए थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी बर्बाद हुई फसल की परेशानी लेकर कांग्रेस सरकार के पास पहुंचे थे। जब कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों के दर्द को नहीं समझा तो उन्होंने मुलताई में धरना शुरू किया। किसान संघर्ष समिति का गठन हुआ। मकसद था कि सरकार उनकी बात सुने, उनकी मदद करे। हम पे 10,000 रुपए फाइन भी किया था और जिन्होंने गोली मारी उस पे इन लोगों ने किसी ने भी मुकदमा दायर नहीं किया गया। हमारा किसी की भी सुनी नहीं इन लोगों ने। मुकदमा दायर होना चाहिए, पुलिस वाले पे मुकदमा चलना था तो किसी ने नहीं चला। 12 जनवरी 1998 को सैकड़ों की तादाद में किसान बैतूल पुलिस ग्राउंड में जुट गए। तब की कांग्रेस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। बिना सूचना के किसानों पर फायरिंग करवा दी गई, 24 किसानों की जान चली गई। उस वक्त आंदोलन को दबाने के लिए दिग्गी राजा की सरकार ने किसानों पर ताबड़तोड़ फर्जी मुकदमे ठोक दिए थे। बच्चे को गोली लगी, बड़ा भाई बाबूलाल हिंगवे, अच्छा, उसको उठाने गया, उसके भी पीठ पर गोली लगी, दोनों एक जगह शहीद हो गए। आज किसान आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार को बदनाम करने में जुटी कांग्रेस क्या अपने गिरेबा में झांक कर देखेगी? कांग्रेस की सियासत के कई अध्याय आंदोलनकारियों की चीखों, गोलियों की आवाजों और किसानों के खून से रंगे पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।